उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट सबसे चर्चित सीट बन चुकी है। कल जब सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने यहां से नामांकन किया तो उसके बाद उनसे बात हुई और चुनावी रण का रंग बदला दिख रहा है। लेकिन इस मौके पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की चुप्पी कई मामलों पर सवाल खड़ी कर गई। नामांकन के बाद जब मुलायम सिंह यादव से सपा बसपा गठबंधन पर सवाल किया तो उन्होंने सवाल को टाल दिया। इतना ही नहीं, जब मुलायम सिंह से मायावती को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने उस सवाल को भी अनदेखा कर दिया और बेटे अखिलेश यादव को ढूंढते नजर आए। मुलायम सिंह यादव से जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा तो उन्होंने अपनी दावेदारी से तो इनकार कर दिया, लेकिन अखिलेश के नाम पर कहा कि इतनी जल्दबाजी क्या है। अब सवाल इस बात का है कि बीएसपी के साथ गठबंधन के बाद भी मुलायम सिंह यादव मायावती के बारे में बोलने से क्यों बच रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार के नाम पर भी चुप्पी क्यों साध रखी है। गजब की बात तो ये है कि मुलायम सिंह के नामांकन के वक्त सपा से ज्यादा बसपा के कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन फिर भी बसपा को लेकर किए गए हर सवाल पर जवाब देने से मुलायम सिंह बचते नजर आए। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आवाम चाहती है, लोग चाहते हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई दिखाई नहीं देता। मैनपुरी से मीडिया हलचल के लिए विशेष संवाददाता अर्पित जैन की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।